सतत रहिए। आ जाओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है। ना ना ना। ओहो नरेंद्र, आ रही हूँ, अभी तैयार हो रही हूँ। तुम शुरू करो नाश्ता, मैं आती हूँ। साहब, चाय गरम कर दे सब। हाँ, शीला के लिए गरम कर दो। शीला, नरेंद्र आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कुछ नहीं, थोड़ा रिलैक्स रहा करो शीला, अच्छी लग रही हो। शीला, मैं सोच रहा हूँ इस महीने से थोड़ी सी सेविंग्स बढ़ा दूँ, और वो मकान की इंस्टॉलमेंट्स भी। तो नरेंद्र, ये पब्लिक इशू के फॉर्म्स हैं, मैंने साइन कर दिए हैं, इनको भर कर जमा करवा देना। और ये हैं चेक्स, ये भी साइन है। अब मैं चलूं? हाँ चलो, तुम्हें देर हो रही होगी। शीला, ओ शाम को थोड़ा जल्दी आ जाना, वो क्या है, मन थोड़ा परेशान होने लगता है। कोशिश करूंगी। मैं तुम्हारे बारे में निश्चिंत क्यों नहीं हो पाता हूँ शीला, हमेशा इनसिक्योर क्यों फील करता हूँ, ऐसा क्यों होता है? साहब, दूसरी चाय बना दूँ साहब? हाँ नहीं, मेम साहब भी चाय पिए बिना चली गई। हाँ अभी नहीं पीऊंगा चाय, ऐसा क्यों होता है? तो मैं जाऊं साहब? हाँ तुम जाओ। अच्छा सुनो। जी साहब। शाम को टाइम से आ जाना। जी साहब। टाइम हो गया है, मैं भी चलता हूँ, बहुत सारे काम करने हैं, ऑफिस भी जाना है। के आने से पहले ही पहुंच गया, नहीं तो दरवाजे पर ताला लटका देखकर उसका मूड ऑफ हो जाता। हे शीला, नाउ यू कांट कंप्लेन। कहां चले गए थे तुम? दरवाजे पर ताला क्यों लगा रखा है? थोड़ी देर इंतजार नहीं कर सकते थे? सी आई एम हियर वेटिंग फॉर यू। ओके, मे आई? नो, आई कैन वेट। हेलो,
Yes, you have come. आ रहा हूं शीला, रुको। देखो शीला। ओ विनती, तुम? क्या हुआ साहब? कुछ नहीं, मैंने सोचा शीला आ गई। मेम साहब शाम को जल्दी आने का बोली साहब। हाँ, जाओ तुम अपना काम करो। चाय बना दे साहब। हाँ बना दो, शायद तब तक शीला भी आ जाए। मैं भी कपड़े चेंज कर लेता हूँ। साहब। हाँ? सब्जी क्या बनाए साहब? सब्जी जो शीला को पसंद हो वही बनाओ। साहब रोटी सब्जी बना दी सर। अच्छा ठीक है, तो हम जाए साहब? क्यों? 8:30 हो गए साहब। ओ 8:30, ठीक है जाओ। परेशान करती है मुझे शीला। शादी से पहले तो शाम ढलने से पहले ही घर चले जाया करती थी तुम, 12:15। अब तो हद ही हो गई। मैं तुमसे तंग आ गया हूं शीला। काम कर दिया है तुमने मुझे, अब तो जाना ही पड़ेगा। पता नहीं कहां है, किसी हॉस्पिटल में पड़ी है, कहां है। तुम्हें लेकर मेरे मन में ऐसे बुरे ख्याल क्यों आते हैं शीला? गुड, एक फाइल और रह गई थी, बहुत जरूरी है। बैठो सर, उसे भी देख लो। समय आज बहुत हो गया है। बहुत जरूरी फाइल है, देख लो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब हर औरत को सड़क चलते घूर घूर कर देखना, नहीं, जाना ही पड़ेगा। नरेंद्र, क्या जरूरत थी मुझे ढूंढने जाने की? बच्ची नहीं हूं मैं। मेरे लेट आने से तुम्हें तुम्हें परेशानी क्यों होती है? छुपा हुआ काम नहीं कर रही हूं मैं, नाइट क्लब नहीं जाती हूं, ऑफिस के 50 झंझट है मेरे सर पर। नहीं नहीं नहीं, हो सकता है थोड़ी देर में आ ही जाए। ये कौन है? तो कोई औरत ही, शीला ही तो है। Thank you.
ना कुछ कहना ना कुछ सुनना। हाँ मैं आ गई। मेरे दिमाग में क्या क्या ख्याल आ रहे थे। जब तुम लेट हो जाती हो तो लाइट मत जलाओ नरेंद्र। क्यों? तुम आज मुझे खोजने नहीं आए? अरे जाने के लिए सोच ही रहा था कि तुम आ गई। देर होती रही और तुम सोचते रहे। हे भगवान तुम्हें हुआ क्या है? मैं बहुत थक गई हूँ नरेंद्र। ये क्या हुआ शीला? वही सवारी का चक्कर। अच्छा अगर मेरे साथ बलात्कार हो जाए तो? ये क्या बकवास कर रही हो शीला तुम? तुमने जवाब नहीं दिया नरेंद्र। तुमको मैं दवा ले आता हूँ। नरेंद्र ये चोट दवा वाली नहीं है। आज मुझे देर से आने के लिए डांटोगे नहीं? भले घर की औरतें इतनी देर रात। तुम्हें देर होती है तो मन आशंकित होने लगता है शीला। बड़ी भयंकर भयंकर कल्पनाएं करने लगता हूँ मैं। मैं रात को 10 बजे दफ्तर से काम करके निकली। स्कूटर से आना ठीक नहीं लगा मुझे। थोड़ी देर में बस आई। बस बिल्कुल खाली थी। थोड़ी बहुत सवारियां थी उसमें। कि अगले 2-3 स्टॉप पर वो सवारियां भी उतर गई। कंडक्टर मुझे घूर घूर कर देख रहा था। डर गई थी। उस समय पर मुझे लगा कि मुझे बस में नहीं बैठना चाहिए था। मैं भगवान से मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान मैं सही सलामत अपने घर। उसके बाद कंडक्टर मेरी सीट पर आकर बैठ गया। बद्दी हरकतें करने लगा। और फिर दोनों ने भरी भरी से तुमने उनका विरोध नहीं किया? अब तक जो कुछ तुम्हें बताया वो तुम बस से कूद क्यों नहीं पड़ी? जल्दी बस से कूद जाती। तुम ही तो कहती हो कि जल्दी बस से चढ़ा उतरा मत करो। और अगर कूद जाती तो मैं मर जाती नरेंद्र। अरे तुम्हारा मर जाना बेहतर नहीं था क्या? किस मुंह से मेरे पास आई हो ये बताने के लिए कि तुम्हारे साथ दो पुरुषों ने? बंद करो अपनी ये बकवास। बड़ी मर्दानगी है। अगर अपनी पत्नी के सम्मान का इतना ख्याल है तो जाओ उतार कर ले आओ उनके सर। ये कैसे हो सकता है? लेकिन हाँ मैं पुलिस में रिपोर्ट जरूर लिखा सकता हूँ। लाओ बस का नंबर दो। क्या कहोगे कि दो लोगों ने तुम्हारी पत्नी के साथ? ये कैसे कह सकता हूँ मैं? तो और क्या कहोगे कि दो लोगों ने तुम्हारी पत्नी से छेड़छाड़ की? इतनी सी बात नहीं कह सकते और मुझे मरने के लिए कह रहे हो? अरे तुम्हें मारना कौन चाहता है? लेकिन ये अपमानित जीवन
मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। क्यों? तुम्हारे मुंह को क्या हुआ? जो मेरे साथ हुआ वो मेरे साथ है। चुप रहो तुम। तुम्हारी जगह अगर कोई दूसरी औरत होती तो वहीं पर सिर पटक पटक कर अपने प्राण दे देती। बंद करो अपनी ये बकवास। तुम मुझे ये सब कहने वाले कौन होते हो? अगर कल को चार आदमी तुम्हें कहीं पीट दे तो? लेकिन जिन परिस्थितियों में ये सब कुछ मेरे साथ हुआ उससे मैं खुश नहीं हूँ। लेकिन इसमें मेरा रत्ती भर भी दोष नहीं है नरेंद्र। इसलिए मेरे मन में कोई ग्लानि नहीं है। मैं मरने से इनकार करती हूँ। अब रही तुम्हारी बात, तुम चाहो तो उन लोगों को ढूंढकर मार डालो, पुलिस में रिपोर्ट कर दो, और ये भी ना हो तो मुझसे अलग हो। तुम्हारी सारी शिकायतें मेरे खिलाफ हैं और उनके लिए अभी भी तुम्हारे दिल में कुछ नहीं है। तुम मेरे पति हो। तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तुम मेरे घर में नहीं रह सकती। तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं। मेरा सपना जो मैंने रात भर पिरोया था, क्यों हुआ तार तार आज उसका दामन थाम कर। मैं तुम्हारे घर में भी नहीं रहूंगी। अकेले मैं तुम्हें इतना कंसेशन दे सकती हूँ कि अपना सामान अगर अभी ना ले जा सको तो सुबह ले जाना। तुम शायद ये भूल रहे हो कि ये फ्लैट मेरे नाम है। मेरे आंसू मेरे जज्बात मेरी आँखों में एक जिन परिस्थितियों में उसके साथ ये सब कुछ हुआ छोड़ो। कहाँ जाओगे नरेंद्र बाबू? रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म, धर्मशाला, कहाँ? अरे जाओ और हंस के कह दो, औरत है फौरन मान जाएगी। जाओ, जल्दी आंखों में आंसू भर लेगी। मैं तुम्हें मना लेना चाहती हूँ नरेंद्र, कल को हमारे बच्चे होंगे और जब उनको पता चलेगा कि उनकी माँ के साथ, हे भगवान। देखा, ये है तू, कैसे रो रही थी। चलो नरेंद्र बाबू, चलो। दिल तो कहता है उसे थाम लूं फिर से, लेकिन वक्त हाथों से फिसल जाए तो कितना अच्छा हो। तुम सोई नहीं? वक्त हाथों से फिसल जाए। अरे ये कहो कि तुम कितना, तुम कल कहीं नहीं जा रहे नरेंद्र? तू
तुम सो जाओ, दिन भर की थकी हुई हो। पहले तुम ये कहो कि तुम यहां से कहीं नहीं जा रहे हो, वरना ये सोच सोच कर मुझे सारी रात नींद नहीं आएगी कि कल से मुझे इस फ्लैट में अकेले रहना है। कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हें तो अकेले बहुत सी परेशानियां होंगी ना यहाँ। जिसको जीने की सजा मुझको ही मिल जाएगी। अच्छा सो जाते हैं। हाँ सो जाते हैं, मुझे भी नींद आ रही है। लगती है नींद आ।